जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की कंपनी लॉ की रिवीजन क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में अपना रिवीजन हो जाएगा समाप्त। अगली क्लास में हम इसके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आइए इसको बढ़िया से समाप्त किया जाए। आज के सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि बोर्ड मीटिंग से जुड़े हुए क्या क्या नियम कायदे होते हैं, कब कब बोर्ड मीटिंग करनी होती है, कितने समय में आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी के सारी चीजें हम आपको आज सिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग कब कब करनी होती है, कितने समय में करनी होती है। हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि दो तरह की मीटिंग होती है, या चलो तीन तरह की होती है, क्लास मीटिंग को अगर हटा दें तो बाकी बचे दो तरह की मीटिंग। एक डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल्ड एज बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल्ड एज जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग दो प्रकार की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आइए अब हम लोग सीखते हैं सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के नियम कायदे। बोर्ड मीटिंग, सिंपल फंडा सुनो और समझो। हर साल हर एक कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है। हर एक कंपनी को हर साल कितनी बोर्ड मीटिंग करनी होती है? 4। और जब वो कंपनी बनी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर एक बोर्ड मीटिंग करनी होती है। ठीक है, मतलब हर एक कंपनी को हर एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। और अब अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, क्या मतलब, अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको विद इन 30 डेज एक बोर्ड मीटिंग करनी होती है। तो मान लो आज है 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर को अगर अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो यहां से 30 डेज का टाइम हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, 11 नवंबर, लेकिन 10 नवंबर तक आएगा 30 डेज अगर एड करें तो फिर 10 नवंबर, क्योंकि 31 डेज का महीना है ना, तो फिर 10 नवंबर तक में आपको क्या करना पड़ेगा? अगली बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। बात समझ गए? ठीक है, 31 माइनस 12 19, और फिर 11 दिन उसमें ऐड कर देंगे ना। 31 माइनस 12 कितना हुआ? 19, और उसमें 11 दिन ऐड करेंगे तो हाँ 11 नवंबर तक आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। Companies Act provides that the first board meeting should be held within 30 days of incorporation and thereafter a minimum of 4 board meeting every year and not more than 120 days shall intervene between 2 consecutive board meeting. इसका मतलब क्या हुआ? दो board meeting के बीच में 120 दिन से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, दो board meeting के बीच में 120 दिन से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आज हमने एक बोर्ड मीटिंग किया, 120 दिन अगर हम रफली 4 महीना लें, रफली हम कितना ले सकते हैं उसको? 4 महीना। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, सॉरी फरवरी, ये बताओ अगली बोर्ड मीटिंग हम 1 मार्च को करें चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा का समय बीत जाएगा। तो अगर एक बोर्ड मीटिंग आज कर रहे हो तो अगली बोर्ड मीटिंग आपको 120 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। चलो सिंपल नियम बताइए। पहली बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। COI माने क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग जो है वो एवरी ईयर कितना होना चाहिए? एवरी ईयर 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा, ईयर माने फाइनेंशियल ईयर। यूजुअली हम लोग इसमें क्या लेते हैं? फाइनेंशियल ईयर एज दी अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला समय लेते हैं। तो एवरी ईयर 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर में भी कहा गया कि नॉट मोर देन 120 डेज बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग। ये इसका क्रक्स निकल करके आया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, इसका मतलब अगर हम एक बोर्ड मीटिंग आज, एक कल, एक परसों और एक तरसों, 4 बोर्ड मीटिंग इस तरीके से लाइन से करके कर दें, खत्म हो जाएगा? चल सकता है ऐसे काम?
साल की चार बोर्ड मीटिंग तो हो गई, एक आज कर लेते हैं, एक कल कर लेते हैं, एक परसों और एक तरसों कर लेते हैं, चार बोर्ड मीटिंग चार दिन में लगातार चल सकता है क्या? चल सकता है। दिक्कत क्या है तुम लोग को? किसने कहा 30 डेज का गैप चाहिए? लिखा है क्या? पहली बोर्ड मीटिंग जब सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुई तब की, नई नवेली कंपनी के बाद, उसके बाद तो ऐसा कोई 30 डेज का गैप तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ आप लोग बताओ कहां? 120 डेज का मैक्सिमम गैप हो सकता है, मिनिमम की तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बाद में मिनिमम चार की मीटिंग है, तुम साल भर रोज रोज मिलो ना, तुम लोग क्या दिक्कत है? 365 बोर्ड मीटिंग करो तो एक आज एक कल एक परसों एक तरसों चलेगा क्या? चलेगा। तुम लोग क्या है ना, तुम लोग लॉ को पढ़ते हो, लॉजिक लगाते हो, ठीक है? तो हाँ ठीक है, कुछ जगहों पे लॉ के साथ में लॉ को समझने के लिए लॉजिक लगाया जाता है, बट लॉ को सबसे पहले इंटरप्रेट करने का कोई भी तरीका होता है उसके वर्ड को समझना और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना। सीधी सरल भाषा में लिखा गया कि हर साल में चार बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, दो बोर्ड मीटिंग के बीच 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बस। इन्होंने ये नहीं कहा कि 120 दिन से कम नहीं हो सकता, 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज कल परसों तरसों किया, चार बोर्ड मीटिंग हो गई साल की, खत्म, बात कर सकते हैं ऐसा भी, ठीक है? लेकिन 1 अप्रैल में और अगला दिसंबर में कर सकते हैं? 1 अप्रैल में और अगला दिसंबर में कर सकते हैं? नहीं। दो बोर्ड मीटिंग के बीच 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं, ठीक है? चलो ये तो यहां तक समझ में आया। फिर इसके बाद सर, अगर वन पर्सन कंपनी है, सर वन पर्सन कंपनी है तो डायरेक्टर कितना मिनिमम होना चाहिए? हाँ मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा वन पर्सन कंपनी के लिए कहा गया, थोड़ा रिलैक्सेशन कर देते हैं, तो वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी, तीनों ही प्रकार की कंपनीज एक तरीके से छोटी कंपनी की कैटेगरी में आ जाती हैं। इन सब के लिए कहा गया कि एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए इन ईच हाफ ईयर। बोलो क्या? एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ईयर, लेकिन यह हाफ कैलेंडर ईयर है। इसका मतलब जनवरी से जून में एक बोर्ड मीटिंग, जुलाई से दिसंबर में एक बोर्ड मीटिंग, जनवरी से जून में एक और जुलाई से दिसंबर में एक बोर्ड मीटिंग होनी ही चाहिए। तो इसके लिए एटलीस्ट कितना? वन बोर्ड मीटिंग बट इन ईच हाफ ईयर। तो एक तरीके से साल की दो बोर्ड मीटिंग बन गई ना, लेकिन ये कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर। और यहां पे मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बताया कि द गैप बिटवीन, सॉरी मिनिमम बताया, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बताया कि द गैप शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। ऊपर क्या था? नॉट मोर देन 90 डेज। यहां पे क्या है? नॉट लेस देन 90 डेज। यानी अब यहां पे क्या, एक बोर्ड मीटिंग आज और एक बोर्ड मीटिंग कल करने पे चलेगा? सर ये तो वैसे भी नहीं चलेगा, हर कैलेंडर ईयर, हर हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में चाहिए। यानी आप जनवरी से जून के बीच में एक ठो करिए, जनवरी से जून 6 महीना होता है, और जुलाई से दिसंबर के बीच में एक ठो मीटिंग करिए। तो सर एक जून को एक कर देते हैं और एक जुलाई को एक ठो कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? हां, इनके बीच में 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए। तो मतलब सर एक जुलाई को चाहे तो कर ही नहीं सकते? कर सकते हो, लेकिन वो हम लोग दो बोर्ड मीटिंग जो कह रहे हैं ना उसमें काउंट नहीं करेंगे। ये दो बोर्ड मीटिंग कब काउंट होगी? जब एक यहां पे हुआ इस हाफ ईयर में और एक इस हाफ ईयर में हुआ, लेकिन कम से कम कितना गैप? मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। देयर शुड बी अ मिनिमम टाइम गैप ऑफ 90 डेज। यानी जून जुलाई अगस्त, रफली देखा जाए तो सितंबर में अगर आप अगली मीटिंग करो तब तो ये सही रहेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ईयर and the gap should not be less than 90 days, should not be less than 90 days। So OPC, small company, dormant company, ये तो एक हिस्सा हो गया। लेकिन OPC, small company and dormant company, OPC, small company,
डोरमेंट कंपनी, इनके लिए क्या नम, क्या नियम? वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ईयर। देखो इसको टू बोर्ड मीटिंग भी हम लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर है, तो वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। और उसके बाद बताओ अगला नियम क्या था इसके अंदर में, गैप नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 90 डेज, 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए, यहां पे 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ये था बोर्ड मीटिंग्स का टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट है, किसका टाइम लिमिट है? बोर्ड मीटिंग का। एंड नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, क्लियर एवरीवन इन द लाइव चैट? प्लीज कंफर्म इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स इन द लाइव चैट, प्लीज कंफर्म इज दिस क्लियर, सेंड योर चैट टू द को होस्ट। यस डन, नोटेड। मैक्सिमम 15 होते हैं हमेशा, बट उसको भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। वेरी गुड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर। नेक्स्ट, फिर इसके बाद, अच्छा अगर से फॉर एग्जांपल सर एक ही डायरेक्टर है तो क्या करेगा? खुद जाएगा, बैठेगा, कहेगा आई प्रपोज दिस रेजोल्यूशन, फिर दूसरी कुर्सी पे जाएगा, वो कहेगा आई वोट इन फेवर, फिर वापस से चेयरपर्सन की कुर्सी पे आएगा, कहेगा अच्छा तो एक ही पर्सन है तो खुद ही बैठ करके खुद ही से मीटिंग करके आ जाएगा, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको? नहीं ना, तो क्या होगा? उसके लिए रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, बताओ सेक्शन 8 कंपनी क्या है? तो इट शेल होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स, यानी वही हो गया कि हर 6 महीने के अंदर में एक बोर्ड मीटिंग इनकी भी होनी चाहिए। आपको मालूम है डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स जो है अपनी मीटिंग के अंदर में, डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग के अंदर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर बाय ऑडियो विजुअल मींस भी कर सकते हैं। जैसे मीटिंग में कई बार क्या होता है, अभी हाल ही में हम लोग भी एक मीटिंग कर रहे थे, हम लोग अपनी एक टीम है, एक डिफरेंट टीम है जो कि हमारे वेबसाइट्स और बहुत सारी चीजों को मैनेज करती है, तो उस टीम के साथ में हमारा वेब मैनेजमेंट जो टीम था उसके साथ में हमारी एक मीटिंग थी संडे को। तो ये बात हुई कि एक्सन कुछ एक दो पर्सन यहाँ पे लोकली थे और कुछ पर्सन बाहर रहते थे, कोई दिल्ली रहता है, कोई कहीं रहता, तो हाउ विल दे कनेक्ट? दे कनेक्टेड थ्रू जूम वाया ऑडियो विजुअल मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हम लोग कुछ लोग सामने बैठे थे, बाकी लोग जूम पे कनेक्टेड थे। आजकल तो होती है इस तरीके की मीटिंग्स, आजकल तो और भी ज्यादा प्रचलन में, लेकिन ये पहले से नियम था कि अगर डायरेक्टर्स किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहें तो फिर वो इन पर्सन भी कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या और कोई ऑडियो विजुअल मींस है तो उसके थ्रू भी वो कर सकते हैं, चाहे वो जूम हो, स्काइप हो, कोई सा भी हो, उसके थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग में ना, या हर एक मीटिंग में कोरम होता है। कोरम माने इतने मेंबर्स होंगे तब तो मीटिंग शुरू होगी, नहीं तो फिर मीटिंग शुरू नहीं होगी। कोरम क्या होता है? जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसका 1/3, जितनी स्ट्रेंथ है उसका 1/3, या सर अगर 3 डायरेक्टर ही है, 3 का 1/3 कितना हो गया? 1, तो उस केस में 2, मिनिमम 2 तो होने चाहिए ना, कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 लोग तो होने चाहिए। तो वॉट इज कोरम? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to start a meeting. बताइए कितना है? It is 1/3 of total directors. आपसे पूछा जाएगा
व्हाट इज कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, इट इज 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 2 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर। ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग इसको हम लोग बुलाते हैं जनरल मीटिंग। दो प्रकार की होती है, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बताइए क्या क्या, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझो, जनरल मीटिंग माने शेयर होल्डर्स की मीटिंग, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में एक बार होता है, जैसा नाम में ही लिखा है एनुअल जनरल मीटिंग। और इसके अलावा कभी भी आप मीटिंग रखोगे शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना छोटी बात नहीं है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है बड़े डिसीजंस के लिए, क्योंकि आपके मन में आना चाहिए ना सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम क्यों, तो कभी कभी इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, या तो फिर कभी कभी नॉर्मली इसे जनरल मीटिंग भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल मीटिंग अगर शब्द इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हालांकि साल में जो एक बार एक मीटिंग होती ही है वो कौन सी है, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या इसको बुलाना कंपलसरी है, हाँ। क्या ईजीएम बुलाना कंपलसरी है, नहीं। ये तभी बुलाया जाएगा जब ऐसा कोई डिसीजन लेना ही पड़े, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको कल एग्जांपल के तौर पर बताया था कि मान लो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अमलगमेट करना है, ठीक है, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, ये सब अलग तरह के डिसीजन है, इनके लिए हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, एजीएम, एजीएम में सर कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि किए ही जाते हैं। देखो, साल में एक बोर्ड मीटिंग फिक्स कर दिया इन्होंने, एक जनरल मीटिंग फिक्स कर दिया इन्होंने, और कहा कि इसमें हम जो कंपनी के मेन मेन बिजनेसेस हैं ये कर लेंगे। तो कंपनी के कौन से ऐसे ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं, कौन से ऑर्डिनरी बिजनेसेस, हर एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट होता ही है। सर क्या है ये ऑर्डिनरी बिजनेस, ये ऑर्डिनरी बिजनेस चार चीजों को मिलकर के बनता है, ए डी डी ए, एडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एडॉप्शन। हर साल आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होते हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब तैयार किया जाता है तो उसके बाद उसको अडॉप्ट कहां पे किया जाता है, एजीएम। जैसे मान लो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब के बनते हैं, अभी मान लो बना 31 मार्च 2023 का बने, 31 मार्च 2023 का, तो जब 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनेगी तो उसको अडॉप्ट कब किया जाएगा, जब अगले साल जब भी हो, जुलाई अगस्त सितंबर में जब एजीएम होगी 2023 के अंदर में, तो वो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, वो कहेंगे ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पिछले साल के। तो उसको अप्रूव करना और उसको अडॉप्ट करना कि ये मेरे कंपनी के अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखो आपका कंपनी तैयार करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चेक करेंगे और ऑडिटर उसको ऑडिट करेगा, लेकिन उसको फाइनल अप्रूवल कौन देगा, शेयर होल्डर। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्या, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, मैंने कहा अगर, डिविडेंड डिक्लेरेशन करना कंपलसरी नहीं होता। फिर उसके बाद आता है यहां पर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट। हमने आपसे कहा, आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि पब्लिक कंपनी के केस में खास करके डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शुड बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और जितने डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है उसमें से 1/3 शुड रिटायर एवरी ईयर, सिखाए थे आपको। तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट,
और फिर उसके बाद आता है आपका फाइनली ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट। एंड रेमुनरेशन करना, यानी यह बताना कि उनकी रेमुनरेशन कितनी होगी, उनको पैसा ऐसा कितना दिया जाएगा। तो ये चार चीजें इसके अंदर में आती हैं, एडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या उनका रीअपॉइंटमेंट, और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसकी रेमुनरेशन बताना। कम ऑन, कौन सी चार चीजें? एडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी रेमुनरेशन बताना। ये चार पांच चीजें, हम पांच चीजें कह सकते हैं अगर हम उसकी रेमुनरेशन को अलग एक पॉइंट इंक्लूड करें, तो ये पांच चीजें किसमें आती हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस में। एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, एनी बिजनेस अदर देन दिस, एनी बिजनेस अदर देन दिस अगर आप कर रहे हैं तो इसे नाम देते हैं हम लोग स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस है ये चार चीजें, इसके अलावा अगर आप किसी भी मैटर पे वोटिंग कर रहे हो तो उसे स्पेशल बिजनेस कहलाया जाएगा। समझ में आ गई बात? बताओ ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहां किया जाता है? एजीएम। इसका मतलब सर ईजीएम जब भी होता होगा किसी स्पेशल बिजनेस के लिए होता होगा। हाँ जी सर, एजीएम के अंदर में भी कोई स्पेशल बिजनेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। मान लीजिए एजीएम के अंदर में ही हमें अमलगमेशन से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेना है, बायबैक से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेना है, अगर एजीएम में हमको ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बस आपको स्पेशली नोटिस पहले से देनी पड़ेगी कि आने वाले एजीएम में हम इन इन बातों पर चर्चा करने वाले। समझ रहे हो? जब भी मीटिंग बुलाई जाती है तो ऐसे थोड़ी कि बस मीटिंग बुला ली और बात खत्म। जब मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें बताते हैं कि आने वाली मीटिंग में हम इन मैटर्स के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर तुम एजीएम में किसी स्पेशल बिजनेस पे भी चर्चा करना चाह रहे हो तो उसके बारे में शेयर होल्डर को पहले से इन्फॉर्म कर दोगे ताकि शेयर होल्डर भी पढ़ लिख करके समझ के आएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगला क्या है बताइए? ईजीएम। पहले एजीएम तक समझ में आया? ईजीएम इज वेरी सिंपल, ईजीएम में स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है और उसके लिए हमको एक स्पेशल नोटिस भी अटैच करनी पड़ती है कि आने वाले ईजीएम में ये डिस्कशंस होंगे। अब ये कैसे होता है, कितने समय में होता है, हर एक चीज आपको सिखाएंगे। पहले यहां तक के मैटर को कंफर्म करिए, आया कि नहीं आया? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर और नॉट? ओके फंटास्टिक। सर एजीएम कितने समय में करना होता है? हर साल करना होता है तो कब कर लें? जैसे मान लो ये साल अभी खत्म होगा कब? 31 मार्च 2023। इसकी एजीएम 1 अप्रैल 2023 को कर सकते हैं? नहीं। क्यों? हाँ 15 महीने का गैप मिनिमम होना चाहिए? नहीं, मैक्सिमम हो सकता है 2 एजीएम के बीच का। अच्छा मतलब थोड़ा थोड़ा देखो अपने को हो सकता है मालूम है, लेकिन पूरा अभी एक्यूरेसी नहीं है। एजीएम में काम क्या करता है पहले हम लोग नॉर्मली समझते हैं। एजीएम में काम क्या करते हैं? सर फाइनल अकाउंट्स को अडॉप्ट करेंगे। अब भैया 31 मार्च को खत्म हुआ तो ऐसा तो हमारे यहाँ की अकाउंटिंग टीम, हमारे यहाँ के सीए इतने भी तो एक्टिव नहीं होंगे कि 31 मार्च की रात को बैठ के बैलेंस शीट बना दिए, और ऑडिटर भी चेक करेगा ना, तो वो भी बैठ करके 31 मार्च की रात को ऑडिट कर रहा है और 1 अप्रैल को मीटिंग पहले से बुला करके रखे हैं और उसी दिन सब कुछ अप्रूव होकर के खत्म हो गया। ऐसे नहीं ना होता है। अरे मान लो तुमको स्कूल में काम करवाया जाता है, दिया जाता है, तो उसके बाद अब तो हालांकि नहीं है, ऐसा कुछ फ्लैशबैक में अगर जाओ, कुछ काम दिया जाता था, तुम लोग करके आते थे, फिर कॉपी दिया जाता था, उसको चेक करते थे, तब जाकर के उसमें कंप्लीटेड लिखाता था ना, कि तुरंत का तुरंत थोड़ी हो जाता था आज ही होमवर्क दे, आज के आज कंप्लीट। वैसे ही करके अगर 31 मार्च खत्म हो रहा है तो एनुअल अकाउंट्स बनने में ही समय लगेगा, फिर वो चेक होगा ऑडिटर के पास, फिर वो जाकर के अप्रूव होगा। ठीक है, तो एकदम तुरंत का तुरंत रखा जाता है कि नहीं? लेकिन ऐसे करने में तो पता चला कंपनी बहुत समय लगा दे। तो एजीएम को कंडक्ट करने का मैक्सिमम टाइम बताया गया कि इतने समय में तुमको एजीएम करनी है, इतने समय तक में एजीएम तुम कर लो, एक दिन में तो कर लो, अच्छी बात है।
लेकिन एजीएम कब होगी ये समझो, क्योंकि ये लोग ये चीज ना ये कई बार कोई समझ ही नहीं पाता है। हमने देखा है बहुत सीनियर लेवल पे भी जो है, यानी जो एग्जीक्यूटिव पे भी आगे प्रोफेशनल पे भी आगे, वो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे। एजीएम एक साल का होता है, जैसे अभी मेरा साल कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये मेरा ईयर चल रहा है। ये साल जब खत्म होगा तो इस साल की एजीएम होगी अगले साल, समझे कि नहीं समझे। तो इस साल से जुड़े हुए जितने भी अपने काम धंधे होंगे उनको अगले साल यानी 31 मार्च से 6 महीने का समय दिया जाता है। बोलो कितने महीने का, 6 महीने का समय। अब मार्च से अगर आप 6 महीना जोड़ो तो सितंबर आता है, तो विद इन 6 मंथ्स आपको एजीएम करनी होती है। सर विद इन 6 मंथ्स कहां से, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलो आपके फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च से 6 महीना कब तक, सितंबर तक, 6 मंथ्स के अंदर अंदर में आपको एजीएम करनी होती है। ये है हमारा मेन टाइम लिमिट, ठीक है। इसका मतलब सर अप्रैल में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हो पाता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि चेकिंग होती है, अकाउंट्स बनते हैं, डिविडेंड वगैरह हमको देना है नहीं देना है सब सोचेंगे, मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग भी ऐसा है, आज शेयर होल्डर हमको फोन करके बोल रहे हैं, ओ भाई शेयर होल्डर कल आ जाना, ऐसा नहीं है ना। शेयर होल्डर को अगर हमें एजीएम बुलाना है तो उसमें कम से कम 21 दिन का समय देना होता है। कितने दिन का, तो एटलीस्ट 21 डेज की, हम आपको लिखवाएंगे चीजों को शॉर्ट में, चिंता ना करें, लेकिन एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना होता है, एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना होता है कि भैया एजीएम बुला रहे हैं, पधारो हमारे देश, ठीक है। तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको बोर्ड मीटिंग करनी, सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, और दो एजीएम्स के बीच सर अगर मान लीजिए इस बार हमने एजीएम मई में कर लिया, कितने मई को कर लिया, इस बार की मेरी एजीएम मई 2022 में हुई थी, पिछले साल की एजीएम कब हुई थी, मई 2022 में, कब, 1 मई 2022, तो 1 मई 2022 से 15 महीना गिनो, 1 मई 2023, फिर मई जून जुलाई, क्या अगली एजीएम हम 1 सितंबर को कर सकते हैं, नहीं। 1 मई 2022 से 15 महीने का समय, मई जून जुलाई यानी 31 जुलाई 2023 तक करना ही पड़ेगा। दो एजीएम के बीच 15 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। बोलो, अंग्रेजी वर्जन, द टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम्स मस्ट नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर कंडक्टिंग एजीएम, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड द टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम्स मस्ट नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, एंड वन एजीएम मस्ट बी कंडक्टेड इन एवरी कैलेंडर ईयर। वन एजीएम क्या, हां बोलो, वन एजीएम मस्ट बी कंडक्टेड इन एवरी, हर कैलेंडर ईयर में 1 एजीएम हो जानी चाहिए, ठीक है, कैलेंडर ईयर। आइए देखते हैं, एक बार आपको फिर से पढ़वाएंगे, फिर से लिखवाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, एक बार पहले आपको यहां पे पढ़वा दें कि क्या टाइमलाइन है इसका। देखिए, कन्वीनिंग वन सच मीटिंग एवरी ईयर इज कंपल्सरी, यानी वन एजीएम मस्ट बी कंडक्ट, एन एजीएम मस्ट बी कंडक्टेड एवरी ईयर, पहला। एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। तो इन्होंने लिख तो दिया इधर, इधर लिखा अच्छे से, क्योंकि हमने भी आपको क्या सिखाया, कैलेंडर ईयर। अगला देखो, सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर ये सब्सिक्वेंट एजीएम क्यों लिख रहा है, पहले एजीएम के बाद दूसरी एजीएम से, कंपनी नई नवेली बनी है,
उसको एजीएम करने में टाइम लग सकता है ना, नई नई कंपनी बनी, अभी डायरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शेयर होल्डर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑडिटर भी अभी परेशान है, समय लग सकता है ना। तो पहली एजीएम के लिए 9 महीने का समय, पहली एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, पहली एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ, सब्सिक्वेंट एजीएम, फर्स्ट एजीएम। द गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड, द गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15। खत्म बात। पहला, एजीएम शुड बी कंडक्टेड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, सब्सिक्वेंट एजीएम विल बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड द गैप बिटवीन टू एजीएम शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। 1, 2, 3, क्या तीनों पॉइंट क्लियर है आपको? एंड द फर्स्ट एजीएम शुड बी कंडक्टेड विद इन, फर्स्ट एजीएम शुड बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स, फर्स्ट एजीएम शुड बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स। चलो इसको लिखो तो अच्छे से, अपनी कॉपी में फिर से लिखो, फर्स्ट एजीएम शुड बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स। ये चारों पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 लिखो। ऐसे ही करके लिखना 1, 2, 3, 4 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं दीदी। हाँ, दीदी नो अंडरलाइनिंग राइटिंग, आई हैव रिटन इट ऑन बोर्ड, आई कुड हैव ऑल्सो अंडरलाइन एंड शोन यू टिक 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 टिक, बट आई राइट, यू ऑल्सो राइट, टीचर हार्ड वर्क, स्टूडेंट डबल हार्ड वर्क। स्टूडेंट गॉट नो पेज, लिख लिया? इतना भी ऐसे देख देख करके छापने की जरूरत नहीं, खुद से लिखिए ना उसमें। सबसे पहला क्या, एजीएम शुड बी कंडक्टेड इन ईच कैलेंडर ईयर, वन एजीएम इन ईच कैलेंडर ईयर, टाइम गैप बिटवीन टू सब्सिक्वेंट एजीएम शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स, एजीएम इज टू बी कंडक्टेड विद इन सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बात खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, एजीएम कब बुलाया जा सकता है, कहां बुलाया जा सकता है, किस दिन बुलाया जा सकता है, किस समय बुलाया जा सकता है, बोलो क्या क्या, कब, कहां, किस दिन, किस समय। तो कब बुलाया जा सकता है सर? संडे को बुला लेंगे एजीएम, संडे को मीटिंग बुला सकते हैं। दिवाली वाले दिन बुला सकते हैं? नेशनल हॉलीडे, तो क्या दिवाली, ईद, ये सब नेशनल हॉलीडे? ये सारे जो फेस्टिवल्स पढ़ते हैं, दिवाली, ईद, 25 दिसंबर, ये सब क्या नेशनल हॉलीडे? नहीं, they are not national holidays. तो national holiday क्या होता है?
26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर यही तीन दिन नेशनल हॉलिडे है। दीदी कौन से तीन दिन नेशनल हॉलिडे है, कौन से तीन दिन नेशनल हॉलिडे है बोलो। 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर यही तीन दिन नेशनल हॉलिडे है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इन्हीं तीन दिन पे छुट्टी रखेंगे, बाकी कोई दिन छुट्टी नहीं है क्या? अच्छा अब तुम लोग बताओ, क्या दिवाली वाले दिन भी मीटिंग बुलाई जा सकती है? हाँ दिवाली वाले दिन भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, समझ रहे हो? हाँ बट अटेंडेंस नहीं रहेगी। हाँ ओके सुनो ध्यान से, फोकस। तो सुनो, किस दिन बुला सकते हैं? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे, और नेशनल हॉलीडे केवल तीन, 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर। सर संडे क्या होता है? संडे भी सुने हॉलीडे, वो पब्लिक हॉलीडे होता है, ठीक है, वो छुट्टी मनाते हैं लोग उस दिन, ठीक है। कोई हो सकता है सैटरडे को मनाए, कोई हो सकता है किसी और दिन मनाए, तो नेशनल हॉलीडे वाला दिन नहीं हो सकता। सर कब? तो आपने बता दिया किस दिन, किसी भी दिन बुलाया जा सकता है, इवन अ संडे। कब किस समय बुलाया जा सकता है? तो सुबह 9 से 6 बजे के बीच, सुबह सुबह 7 बजे बुला लेंगे, गंगा घाट पर आओ, वहीं पे बैठ करके मीटिंग किया जाएगा, नाव पे नहीं, चाय के साथ नहीं, बिजनेस आवर्स में ही, बिजनेस आवर्स में। बोलो क्या? बिजनेस आवर्स। आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बिजनेस आवर्स क्या होते हैं? सुबह 9 से शाम के 6 बजे का समय बिजनेस आवर्स होते हैं। बोलो क्या? 9 to 6, ठीक है, इज योर बिजनेस आवर्स, 9 AM to 6 PM। प्लीज ये सब भी ध्यान दे देना तुम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद कहां बुलाया जा सकता है? ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा है, तुम लोग अंडमान निकोबार पे आना, वहीं पर बैठ करके मीटिंग किया जाएगा, बढ़िया वेकेशन मनाया जाएगा। नहीं, क्या किया जा सकता है बताओ? कहां बुलाया जा सकता है? जहां पर भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड हो। बोलो क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे सिचुएटेड हो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर अंडमान निकोबार में है तो वहां बुला सकते हो, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनारस में है तो बनारस में ही बुलाओगे, वाराणसी में ही बुलाओगे। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस से फॉर एग्जाम्पल गुजरात में है, गुजरात में बुलाओगे, मुंबई में है, मुंबई में बुलाओगे, जहां सिचुएटेड है वहीं पे बुला सकते हो, उसी सेम सिटी में बुला सकते हो, और किसी जगह पे नहीं बुला सकते। तो कंपनी की एजीएम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही बुलाई जाती है, द सिटी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। मान लो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इस बिल्डिंग में, अब मेरी कंपनी के 1000 शेयर होल्डर है, अब 1000 को तो यहां पर हम एक्यूमरेट करके बुला नहीं लेंगे। ये नहीं कि किसी एक को अकाउंटेंट की चेयर पे बैठा रहे हैं, किसी एक को किसी की चेयर पे बैठा रहे हैं, भैया 1000 शेयर होल्डर है तो उसके लिए आपको कोई जगह देखनी पड़ेगी, कोई हॉल देखना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी विद इन द सेम सिटी, विद इन द सेम स्टेट, बट द प्लेस कैन बी डिफरेंट। किसी होटल में बुला लो, ठीक है, किसी और स्पेस पे बुला लो, कहीं पर भी बुला सकते हो, किसी और कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला सकते हो, लेकिन कहां नहीं बुला सकते, यानी आपने रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे सिचुएटेड है उस सिटी के अलावा और कहीं पे नहीं बुला सकते। एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, पहली बात, दैट इज बिटवीन 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। इट शुड बी आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन या विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो बताओ कब बुला सकते हैं? बिजनेस आवर्स में, सुबह 9 से शाम के 6। किस दिन? एनी डे विच इज नॉट अ, किस जगह पर? जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या तो उस शहर गांव जिला में जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। However, AGM of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance. यानी अगर सारे members agree कर जाएं तो किसी और जगह पर भी, अगर members पहले से agree कर गए तो हम किसी और जगह पर भी बुला सकते हैं। भैया member खुद agree कर गए कि नहीं हम उस जगह पर आने को तैयार हैं दूसरी जगह पर, तो हम उस जगह पर भी बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट हम लोग के लिए काम करते, तो शॉर्ट में अगर इसको लिखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या टाइम हो सकता है बताओ?
बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स कब से कब तक होते हैं? 9 AM टू, कौन सा डे हो सकता है या डेट हो सकता है? एनी डे बट नॉट नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे नहीं चलेगा। नेशनल हॉलीडे माने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया, क्या? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। फिर इसके बाद क्या था इसके अंदर में? प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या तो बुला दो, REGD माने रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो फिर सिटी, टाउन या विलेज जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और बताओ, अगर किसी और प्लेस पे करना है, एनी अदर प्लेस हो सकता है क्या? एनी अदर प्लेस इफ ऑल द मेंबर्स, इफ ऑल मेंबर्स एग्री इन एडवांस, इफ ऑल मेंबर्स अग्री इन एडवांस। चलो इसको नोट कर लो। इन द लाइव चैट, डियर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, क्या यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। ओके, नेक्स्ट। ये हमने आपको सिखाया, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशंस। इसके अलावा अगर कुछ भी किया जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। सर अगर AGM करने में हम डिफॉल्ट कर गए तो? अगर AGM करने में आप डिफॉल्ट कर गए, अगर AGM करने में आप डिफॉल्ट कर गए तो हर वो ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कंपनी के ऊपर में फाइन लगेगा, और वो फाइन 1,00,000 रुपए से लेकर के आपका 5,000 रुपए, 1,00,000 रुपए तक का हो सकता है, जिसमें 5,000 रुपए पर डे होगा फॉर अ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। तो देखो 1,00,000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, यानी 1,00,000 रुपए तक का पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस पर डे के हिसाब से कितने रुपए की पेनल्टी लग सकती है? 5,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो 1,00,000 रुपीज तक का पेनल्टी प्लस 5,000 रुपए पर डे का पेनल्टी, समझ गए? अगर लंबे समय का डिफॉल्ट करो तो इतना तक भी लग सकता है। तो इसको आप ऐसे याद रख लो, आप छोटे में लिख लो, अगर डिफॉल्ट है तो 1,00,000 प्लस 5,000 पर, ये 1,00,000 की जगह अप टू 1,00,000 कर लो बस, क्योंकि जरूरी नहीं सबके ऊपर 1,00,000 रुपए की पेनल्टी लगाई दी जाए। अब हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या होता है। कुछ बड़ी कंपनीज के ऊपर में जिम्मेदारी पोस्ट किया गया कि आपको, कुछ बड़ी कंपनीज के ऊपर जिम्मेदारी पोस्ट किया गया कि आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत
अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर, पहले ये बताइए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे गरीबों की मदद करना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हंगर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन सब के लिए करना, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्पस को प्रमोट करना भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए भी हो सकता है, किसी भी और पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के लिए मदद करना, प्राइम मिनिस्टर के जो केयर फंड है पीएम केयर फंड इन सब में डोनेट करना। तो इस तरीके की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको शेड्यूल दिया गया है। ये शेड्यूल नंबर 7 में आपको पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं ये शेड्यूल 7 है। दिस इज क्या, आपको भी आपकी बुक में ये लिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा हुआ इराडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग एजुकेशन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम एंड हॉस्टल फॉर वुमेन एंड ऑर्फन्स, ओल्ड एज होम लगाना, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रमोट करना, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना, मेजर ऑफ बेनिफिट फॉर आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स वॉर विडोज वगैरह के लिए, ठीक है, जो वॉर लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं, रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, पीएम केयर फंड वगैरह में डोनेशन करना, ये सारे के सारे एक्टिविटीज किसमें आ जाते हैं, ये सीएसआर के अंदर आ जाते हैं। सर ये लिस्ट याद करनी है क्या? नहीं, बस जितना इतना थोड़ा थोड़ा हमने ओवरव्यू करवाया बस उतना ही पढ़ना है। तो सर सीएसआर में हमें कितना पैसा देना है और क्या हर एक कंपनी को पैसा देना है? नहीं, पहले सीखिए, सुनो ध्यान से, हु हैज टू फॉलो सीएसआर, बोलो हु हैज टू फॉलो सीएसआर। एवरी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर से बोलो, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। कम ऑन वंस अगेन, नेटवर्थ सर, नेटवर्थ माने क्या होता है? उसका शेयर कैपिटल रिजर्व मिलाकर के जो पैसा बनता है उसे कहते हैं नेटवर्थ। तो बोलो नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट सॉरी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, कब का? पिछले साल। तो अगर पिछले साल उसने इसमें से तीनों क्राइटेरिया को मीट किया या कोई भी एक क्राइटेरिया को अगर मीट किया तो उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो सर आपने कहा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कितना हिस्सा सर, क्या यह बताया गया है? हां जी यह बताया गया है। इन्होंने कहा कि अगर आप इस लिमिट को, इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो आपको अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट 2%, बोलो कितना, एटलीस्ट 2% ऑफ द सर पिछले साल के प्रॉफिट का नहीं, ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, एटलीस्ट 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ेगा। फिर से, कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, कब का? पिछले फाइनेंशियल ईयर का। कितना पैसा देना है इनको? एटलीस्ट 2% ऑफ टर्नओवर ऑफ नेट प्रॉफिट। कब का नेट प्रॉफिट? पिछले साल का, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट, बोलो पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, ठीक है। अच्छा सर कहां इसको स्पेंड करना है? सीएसआर में। सीएसआर की लिस्ट कहां दी हुई है? पूछा जाएगा तुमसे सीएसआर की लिस्ट कहां दी हुई है? शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर और भी कुछ करना है क्या? हां, इनको एक सीएसआर कमिटी बनानी है। बोलो क्या बनाना है? सर ये क्या होता है सीएसआर कमिटी? सीएसआर कमिटी एक ऐसी कमिटी है, जैसे ये बताओ पार्लियामेंट में अलग अलग कमिटियां बनती हैं, कभी सुनो पार्लियामेंट की ये कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी गठित हुई है इस लॉ को बनाने के लिए, उस लॉ को बनाने के लिए, उस कमेटी का मेंबर कौन होता है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो मेंबर ऑफ
वही उस कमिटी के मेंबर भी होते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही उस कमिटी के, इट शेल कंस्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री और मोर डायरेक्टर आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन डायरेक्टर शेल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यानी आपको एक सीएसआर कमिटी बनानी पड़ेगी और उस सीएसआर कमिटी का मेंबर कौन होगा? जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनमें से तीन ठो डायरेक्टर, एटलीस्ट तीन डायरेक्टर जाकर के किसके मेंबर बन जाएंगे? सीएसआर। तो क्या सर वो डायरेक्टर नहीं रहेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट नहीं रहेंगे? वो एक और कमिटी में जुड़े हुए हैं। कैसे होता है? एक क्लास है, उस क्लास के अंदर में छोटे छोटे गर्ल्स बन गए, तुम ये मैनेज करोगे, तुम वो मैनेज करोगे। वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें भी छोटी छोटी कमिटी बना करके सबको थोड़ा थोड़ा रोल दे दिया गया, तुम ये करोगे तुम वो करोगे। तो एक सीएसआर कमिटी करके तुमको कमिटी बनानी पड़ेगी, उसमें कम से कम तीन ठो डायरेक्टर रहेंगे और उसमें से एक पर्सन क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने आपको कहा था एक ऐसा पर्सन जिसको कंपनी से मोह माया नहीं है, वो कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का मतलब पैसा तो ले रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, उसका शेयर होल्डर नहीं है, समझे? तो जैसे अगर अगर कुछ हो जाए गलत तो हम लोग नहीं एक इंडिपेंडेंट पर्सन के पास जाए, तुम बताओ क्या हुआ है, सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाए, बाहरी आदमी से तुम बोलो किसकी गलती है ना? वैसे ही करके यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, बाहरी आदमी है, ये कंपनी का शेयर होल्डर वगैरह नहीं है। फिर इसके बाद ये आपको सीएसआर की पूरी लिस्ट दिया गया। अब सुनो सर, इनको ये पैसा खर्च करना है और अगर अगर कंपनी इस पैसे को छह महीने के अंदर अंदर खर्च नहीं कर पाती है तो छह महीना, यानी जैसे मान लो इस साल हमको 2% खर्च करना था, 2% मान लो मेरा आ रहा था 20 करोड़ रुपए आ रहा था मेरा 2%, ठीक है, चलो 1000 करोड़ था तो फिर मेरा 2% आ रहा था 20 करोड़, ठीक, 1000 करोड़ का 2% ये तो ना, तो 20 करोड़ खर्च करना था लेकिन हम 20 करोड़ खर्च नहीं कर पाए, तो जितना पैसा आप खर्च नहीं कर पाए उसको छह महीने के अंदर अंदर एक अलग से खाता बनाओगे कॉल्ड एज अनस्पेंट अमाउंट, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू अ फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7, एक अलग से एक खाता खोलेंगे और उस खाते के अंदर में इस पैसे को अलग से जमा करा देंगे अनस्पेंट सीएसआर के नाम से, अपने पास नहीं रखेंगे, तुमको खर्च करना था तुम नहीं कर पाए तो अलग से जमा करा, लेकिन उस पैसे को अपने पास नहीं रखोगे। कितने समय के अंदर अंदर बताओ? तो बस आपको यह याद रखना है, एकदम बढ़िया से याद रखना, ट्रांसफर अनस्पेंट सीएसआर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हमको खर्च करना था 2% क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट एक्सीड कर रहा था या टर्नओवर एक्सीड कर रहा था, तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, उसका 2% निकाले। अब इस साल अगर उसका 2% खर्च नहीं कर पाए, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 प्रीसीडिंग ईयर, सॉरी प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, तो हम उस पैसे को कहां जमा करा देंगे? अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर, एक अलग से बैंक अकाउंट खोलेंगे और वहां पर ले जाके उस पैसे को जमा करा देंगे, लेकिन अपने पास उस पैसे को नहीं छोड़ेंगे। आपको याद रखना है कि टाइम कितने समय में? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, याद रहेगा? ओके एक बार वापस से हम आप सबसे कहेंगे रिवाइज करना इन सब चीजों को, आपको पक्का याद रहेगा, ठीक है? बस और कुछ इसमें याद नहीं करना है, इसकी पेनल्टी वगैरह भी आपको याद नहीं करनी। अब आ गए हम लोग आखिरी टॉपिक पे जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए एथिक्स सीखना। यस सर, जरूरी तो है। तो हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर विच इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स, अच्छा एथिक्स माने क्या? एथिक्स माने मॉरल कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, और ये प्रिंसिपल्स हमको क्या बताते हैं, सही क्या है गलत क्या है। एथिक्स हमें बताते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो एथिक्स कहा जाता है, बेसिकली वर्ड एथोस से आता है, और ये हमको बताता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज
गलत है। सही गलत के बीच का अंतर हमको एथिक्स बताता है। ठीक है, ओके, बिजनेस एथिक्स, ठीक है, बिजनेस एथिक्स इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आपको सिंपली यह सीखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स हैज टू मीन दैट वेरियस थिंग्स टू वेरियस, इट मीन्स वेरियस थिंग्स टू वेरियस पीपल, बट जनरली इट कम्स टू नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन द वर्क प्लेस एंड डूइंग व्हाट इज राइट। ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही चीज को फॉलो करना ही क्या है, बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एथिक्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इट बिकम्स क्या, बिजनेस एथिक्स। जैसे हमें चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ये हमारे एथिक्स है, वुमेन एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। तो बिजनेस एथिक्स क्या कहता है, चिल्ड्रन एंड वुमेन से कोई भी हार्श काम ना करवाइए, अगर करवाइए भी तो, और अगर आप करवा रहे हैं तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना करिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, बिजनेस एथिक्स। एथिक्स है कि हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और उनको एक्सप्लॉइटेशन वर्क प्लेस में नहीं होना चाहिए, बिजनेस एथिक्स हो गया। समझ गए बात को, तो ऐसी चीज जो हमको ये बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बिजनेस एथिक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पर ना आपको एक टर्म पढ़ना है विच इज बेसिकली एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा, इसके ऊपर हम आते हैं, इससे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पढ़िएगा। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हैं, ये किसी एक ने नहीं, अलग अलग लोगों ने मिलकर के डेवलप किए हैं, जैसे कैंट, जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी प्रिंसिपल्स को एक एक करके पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, सेक्रेडनेस ऑफ मींस एंड एंड। बोलो क्या, आपका मींस और आपका एंड दोनों सही होना चाहिए। अ गुड एंड कैन नॉट बी अटेन्ड विद अ रॉन्ग मींस। A good end cannot be attained with a, what does this mean, ध्यान से सुनो, it simply means कि अगर आप कुछ सही करना चाहते हैं तो गलत तरीके से नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने कहा कि हम तो भैया बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम उनसे काम करवा रहे हैं ताकि उनके पास पैसा आएगा तो वो पढ़ लेंगे, तो there is a sacred end but there is a wrong means। आप रॉन्ग मींस का इस्तेमाल करके एक सेक्रेट एंड नहीं, जैसे आप अपने वर्कर से इलीगल वर्क करवा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भैया इससे कम से कम उनकी कमाई तो होगी, वो खा तो पाएंगे नहीं, ये तो वही है, चोरी कर रहे हैं पेट पालने के लिए, लेकिन चोरी करना इज नॉट अ सेक्रेट मींस, बट देर इज अ सेक्रेट एंड कि नहीं, ठीक है आपने पेट के लिए कर रहे हैं, वो अपने कह सकते हैं कि दे आर डूइंग इट फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है, बट देर इज नो सेक्रेट means। तो sacredness of means and end का mean मतलब क्या, that a good end cannot be attained with a wrong means, even if it is beneficial to the society, वो हो सकता है सही ना, means भी सही होना चाहिए, not to do any evil, यानी आपको कोई भी unethical चीज खुद को या किसी और को नहीं करनी चाहिए। क्या है, principles of business ethics। principle of proportionality क्या कहता है, आपको कोई भी एक line दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि उसका मतलब क्या है या कौन सा principle है ये। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है, दैट वन शुड मेक प्रॉपर जजमेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग सो दैट देयर इज अ फेयर व्यू टेकन एंड अदर्स डू नॉट सफर फ्रॉम एनी लॉस या रिस्क ऑफ इविल्स बाय द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। व्हाट डज दिस मीन, कि आपको कोई भी चीज, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब सोच समझकर, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या, सोच समझकर, प्रॉपर जजमेंट के साथ, यहां पे कीवर्ड क्या बताओ, प्रॉपर जजमेंट के साथ। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज डिसाइड करनी है तो आप उसको सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, बिना सोचे समझे किसी भी डिसीजन को मत लीजिए, आप किसी ईवल को करिए भी मत और उसमें कोऑपरेट भी मत करिए। बाजू वाला कर रहा था ईवल, बाजू वाला पेड़ काट रहा है, बाजू वाला गंदगी फैला रहा है, हम उसमें रिवोल्ट नहीं कर रहे, हम उसको अलाउ कर दे रहे हैं, हम उसको अपनी जमीन भी यूज करने को दे रहे हैं, दिस इज कोऑपरेशन इन ईविल। तो आप उसके साथ कोऑपरेट भी मत करिए, खुद भी मत करिए, दूसरों के साथ कोऑपरेट भी मत करिए। कोऑपरेशन विद अदर्स, दूसरों की मदद करिए जहां तक पॉसिबल हो सके। पब्लिसिटी, आप जो भी कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं उसकी जानकारी सबको दीजिए,
अपने प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, अपने अच्छी चीजों की जानकारी दीजिए, अगर कुछ गलत हो जाए उसकी जानकारी दीजिए, आप अपनी चीजों की जानकारी दीजिए। अगर कुछ छुपा के रख रहे हैं इसका मतलब आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, तो चीजों को छुपा के मत रखिए। इक्विवेलेंट प्राइस मतलब भर भर के ज्यादा से ज्यादा दाम चार्ज करो, इक्विवेलेंट प्राइस मतलब फेयर प्राइस चार्ज करो। जैसे हम लोग कई बार नहीं कहते हैं, अरे इन लोग को तो 2 रुपए का पड़ता है, 20-20 का बेचते हैं, लूट रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं, फेयर इक्विवेलेंट अनफेयर प्राइसिंग है वो। हमें करना क्या चाहिए, इक्विवेलेंट माने फेयर प्राइसिंग, ठीक है। उसके बाद जस्ट ए मिनट, इक्विवेलेंट प्राइस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू विल्सन पीपल आर इंटाइटल्ड टू गेट गुड इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ मनी दे विल पे। यूनिवर्सल वैल्यू यानी कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं ना, हार्मफुल प्रोडक्ट मत दीजिए, सच्चाई के साथ में सारी की सारी चीजों को बताइए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, ऐसी चीजें कुछ बेसिक चीजें होती हैं ना, कुछ यूनिवर्सल यानी हर कोई उस बात को मानता है कि हमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए, ठीक है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन चीज है तो उसको हमको बता करके बेचना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल वैल्यूज को फॉलो करिए, ह्यूमन डिग्निटी को हमें मेंटेन रखना चाहिए, किसी से भी ऐसा काम नहीं कराना चाहिए जिससे उसकी ह्यूमन डिग्निटी का लॉस हो, ठीक है। और फाइनली नॉन वायलेंस होना चाहिए। तो ये 10 प्रिंसिपल्स हैं किसके, एथिक्स के, बिजनेस एथिक्स के। बस इतना ही हमको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना है। पहला बताओ, सबसे जरूरी यही है, सेक्रेडनेस ऑफ मींस एंड एंड। दूसरा, नॉट टू डू एनी इविल। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी माने प्रॉपर जजमेंट के साथ करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन इन इविल, कोऑपरेशन विद अदर्स। पब्लिसिटी माने जो भी कुछ कर रहे हैं सबको जानकारी देनी चाहिए। इक्विवेलेंट प्राइस माने फेयर प्राइसिंग, वैल्यू फॉर मनी। यूनिवर्सल वैल्यूज को फॉलो कर, यूनिवर्सल वैल्यू मतलब जो सब लोग कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं उसको करिए। ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन रखिए और नॉन वायलेंस को फॉलो करिए। सबसे जरूरी टर्म जो आपसे पूछता है, विच इज एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा का मतलब होता है दो ऐसे ऑप्शंस के बीच में चूज करना जो कि इक्वली अनफेवरेबल हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जैसे समझो, हम अगर इंडस्ट्री बैठाएंगे तो पेड़ कटेंगे तो वहां पे प्रदूषण होगा, ठीक है, वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स को दिक्कत होगी, वाइल्ड लाइफ को दिक्कत होगी, लेकिन वहां के एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। डिलेमा किया जाए, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे। अब समझो, हम अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दें तो कंज्यूमर को अच्छा लगेगा, कंज्यूमर उसको खरीदेगा, लेकिन प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो आम आदमी नहीं खरीद पाएगा। तो एक तरफ एक लोग कहेगा वेरी गुड प्रोडक्ट अच्छा किया उससे का, दूसरा लोग कहेगा महंगा कर दिया, अब तो ये आम आदमी के बजट में नहीं रहा, ठीक है। अब भैया पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, अच्छा क्वांटिटी कम कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इट हैज क्रिएटेड सम गुड इंपैक्ट अमंग द कंज्यूमर्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उसका एक कंज्यूमर बेस चला भी जाता है जो कि प्रीमियम चीजों को खाना चाहेगा, है ना, जो प्रीमियम बिस्किट्स खाना चाहेगा वो कहेगा नहीं, हम तो बोर्बन खाएंगे, हाइड एंड सीक खाएंगे, ठीक है। तुम लोग को भूख लगने लग जाएगी, तुम लोग इमेजिन करने लग जाते हो। तो ये क्या हुआ, एथिकल डिलेमा। तो एथिकल डिलेमा माने क्या होता है, एथिकल डिलेमा का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको चूज करना हो बिटवीन टू इक्वली अनफेवरेबल ऑप्शंस। बोलो, अनफेवरेबल, दोनों ही, ये भी गलत है वो भी गलत हो सकता है, तो हम किसको चूज करें, या कोई एक को ही चूज करना पड़ेगा दोनों में से, दिस इज कॉल्ड एज एथिकल डिलेमा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अ डिलेमा कुड बी अ राइट वर्सेस रॉन्ग सिचुएशन वेयर द राइट विल बी मोर डिफिकल्ट टू परस्यू एंड रॉन्ग वुड बी मोर कन्वीनियंट। अब जैसे समझो क्या होता है, कभी कभी हमने कहा भैया सड़क बना रहे हैं, ठीक है, या चलो कुछ एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने के अंदर में सर अगर एकदम पूरे के पूरे लॉ को मान ले तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन वो सही है, वो क्या है, वो सही है, लेकिन अब सर रॉन्ग तरीके से अगर जाएं तो 5,000 रुपए की रिश्वत थमाएं, अपना जो भी है वो करें, वो ठीक है ना, लेकिन आसान तरीके से, लेकिन वो गलत है,
लेकिन आसान तरीका है, और जो सही है वो बहुत मुश्किल है। समझ गए कि नहीं समझे? तो फिर एक राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करना, जहां पे राइट को चूज करना मुश्किल है, रॉन्ग को चूज करना आसान है, वो क्या देता है आपको? एथिकल डायलेमा। तो एथिकल डायलेमा यही होता है बिटवीन मेकिंग अ क्वेश्चन कि क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स अ राइट वर्सेस रॉन्ग आंसर। इसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? इसको एड्रेस ऐसे करना चाहिए, ये सोच करके कि इसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, अगर हम ये करें तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों के ऊपर यानी उसके स्टेक होल्डर्स के ऊपर। अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को वैसा ही रखें तो स्टेक होल्डर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर इसको बढ़ा दें, प्राइस को बढ़ा दें, तो स्टेक होल्डर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये सोच करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसके ऊपर में चर्चा नहीं किया। लेकिन इसी के साथ हमारा कंपनी लॉ का रिविजन होता है समाप्त। अगला रिवीजन जो हम आपके साथ में करेंगे वो हमारे अगले सबसे बड़े टॉपिक का होगा, विच इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं। लॉजिकल रीजनिंग की एक क्लास, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब लीगल रीजनिंग की एक क्लास, लॉजिकल रीजनिंग के दो चार रिवीजन क्लासेस, एंड देन यू विल बी बैंग ऑन प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम आपके साथ में हालांकि कंपनी लॉ के एमसीक्यूज प्रैक्टिस का भी एक सेशन आगे जाकर के लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय। यस यस।